एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे हम असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर DEC का, और यदि आप MA का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं MSOK 01, 02, 03 और 04 के, तो सभी मैंने अपलोड कर रखी है वीडियो, तो वीडियो के थ्रू आप उसे देख सकते हो। प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हैं। और DEC यदि आप कर रहे हो डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड वाला, तो उसके ये क्वेश्चन पेपर हैं और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है जो मैं दिखाने जा रही हूँ। और दो वीडियोस मैंने दो पेपर की डाल दी है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर की, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई हैं। 2020 का है और 21 का देखना हो तो वो भी पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। यही क्वेश्चन पेपर आपको आंसर में लिखना होगा असाइनमेंट के। तो देख लेते हैं क्या है। तो ये कोड DEC 3 का है, पाठ्यक्रम कोड है, और इसमें जो आपका यदि आपने जनवरी सेशन या जुलाई सेशन में 2020 में लिया था एडमिशन, तो उनके लिए है ये। और यदि उन्होंने फर्स्ट में लिया है तो वो उनके लिए मैंने वीडियोस पहले से प्रोवाइड कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये भाग ए खा और ख ख ग 3 में डिवाइड है, तो 60 मार्क्स का हमारा का है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रत्येक को 5 शब्दों में वर्णन करना है, तो ये जो लिखे हुए हैं और टॉपिक, उसमें से 500 वर्ड में आपको लिखना होगा और सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला है बच्चों के आक्रामक व्यवहार से निपटना, संचार की चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति, बच्चों को लेबल करने के प्रभाव, ICDS कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं वो। नेक्स्ट है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई मोदक के योगदान की चर्चा कीजिए। जिस हिसाब से ये देखिए इसमें लिखे हुए हैं सामने कि जितने कितने कितने वर्ड में इनको आपको आंसर देना है, सभी लिया हुआ है। नेक्स्ट है मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत किसी एक संगठन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए, बच्चे के विकास पर दृष्टि दोष का क्या प्रभाव हो सकता है चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आप एक समावेशी शाला पूर्व बच्चों विद्यालय में अध्यापिका हैं और आपके बच्चों के समूह में एक अल्प बौद्धिक क्षमता वाला बच्चा भी शामिल है, आप बच्चे की स्मरण शक्ति एकाग्रता और भाषा और व्यवहार संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने की जो योजना या कार्य पद्धति अपनाएंगे उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आप शाला पूर्व केंद्र में अध्यापिका हैं, बच्चों की भूमिका अभिनय के अवलोकनों और उनके साथ बातचीत से आपको ज्ञात होता है कि बच्चे आपका कार्य काफ़ी समय मोबाइल फ़ोन पर कार्टून और फिल्में गाने के वीडियो देखने में खर्च करते हैं। शाला पूर्व अध्यापिका होने के नाते आप माता पिता के साथ संगोष्ठी के दौरान माता पिता को स्क्रीन टच के हानिकारक प्रभाव की चर्चा करना चाहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों पर स्क्रीन टाइप के हानिकारक प्रभाव की चर्चा करने के लिए आप किस विधि या विधियों का प्रयोग करेंगे, उनकी भी चर्चा करें। ये जो टॉपिक था इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने संदेश को संप्रेषित करने के लिए अपनी विधियों के साथ कौन सी संचार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, चर्चा की विषय वस्तु को पॉइंट के रूप में सूचीबद्ध करें। नेक्स्ट है शाला पूर्व अध्यापिका होने के नाते निम्नलिखित विशेष जरूरतों वाले बच्चों के माता पिता को उनके बच्चों की देखभाल प्रारंभिक उत्प्रेरण और प्रशिक्षण के संबंध में क्या सुझाव देंगे। तो अध्यापिका होने के नाते आप बच्चों को के जो माता पिता हैं उनको देखभाल प्रारंभिक उत्प्रेरण और प्रशिक्षण के संबंध में क्या सुझाव देंगे, उसके बारे में 500 वर्ड में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का है और टॉपिक ये है, श्रवण दोष वाला 4 वर्षीय बच्चा है उसको, और प्रमस्तिष्क घात वाला 4 वर्षीय बच्चा है। खा नंबर का क्वेश्चन है, ख और ग खा में है, तथापि इन चारों अभ्यासों का करना, ये जो चारों अभ्यास हैं 1, 2, 9 और 10, इसमें से एक आपको करना है। ओके, इसके पश्चात आपको जो अभ्यास सबसे अच्छा लगे उसे इस सत्री कार्य और के उत्तरों के साथ संलग्न कर दें, और इन बाकी जो हैं वो उनको तो देखना ही है, लेकिन एक आपको इसमें मेंशन करके मतलब असाइनमेंट में भेजना है। ग है
इस भाग में आपको एक पाठ्यक्रम अर्थात DEC के जो प्रयोगात्मक नियमों बुक मिली होगी उसमें दिए हुए हैं, 6, 7, 8 में से एक अभ्यास इसमें से करना है। तो इस तरीके से आपका ये असाइनमेंट पेपर जो आंसर है हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन पेपर आपका असाइनमेंट का 2020 का, और बाकी आपको फर्स्ट का देखना हो तो भी मैंने वीडियो बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।